द वेरिएशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड या द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज, मैंने बाहर में क्या क्या चीज़ हो रहे हैं, बाहर में क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार हमारे मन में जो फ्लक्चुएशंस होता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो होता है, उसी को कहते हैं इमोशंस। फिर से, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द वेरिएशंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज इज कॉल्ड इमोशन। जब हम घर से बाहर निकलते हैं या कुछ काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत बार ऐसी होती हैं घटनाएं, ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, और ये हर दिन ऐसा होता है। तो जब हमारे अनुसार नहीं होता है, उस समय भी हम अपने मन की अवस्था को स्थिर रख सकें, मतलब उसको कंपोज्ड रख सकें, काम रख सकते हैं, मैंने शांत बना के रख सकते हैं, एकाग्र रख सकें, हमारा जो गोल है, हमारा लाइफ का जो गोल है, उसके साथ कनेक्टेड रह सकें, तो अगर ऐसा कर सकें तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा इमोशन जो है हम अपने कंट्रोल में रखे हुए। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि 20% डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा, 80% डिपेंड करता है इमोशंस पे। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को अपने फेवर में रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा गोल है, हमारा लाइफ का जो पर्पस है, उसके साथ कनेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो इमोशन है ना, कभी ऊपर नीचे होते रहेगा, तो पता चला इस इमोशंस के कारण हम अपना गोल भी भूल जाते हैं। बहुत बार अब मैं लोगों से पूछता हूँ, बोलते हैं कि बचपन में मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, घर से जुड़े, परिवार से जुड़े और लोगों से जुड़े, मैंने इतना सारा बर्डन आ गया, लोग ऐसा बोलते हैं, इतना सारा बर्डन आ गया कि कहाँ अपना गोल था, क्या सपना था, सब भूल गए। ऐसा इसलिए होता है कि हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो मेडिटेशन के द्वारा क्या होता है, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना सीखते हैं, उसको ठहराते हैं, है ना। उसको ठहरा करके जब हमारा माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हम सही डिसीजन लेते हैं, और सही डिसीजन ही हमें आगे लेके जाता है, हमारे अपने लक्ष्य से जोड़ता है।